मॉर्निंग एवरीवन, जोर से यार ताली जरा दमदार होनी चाहिए, दम नहीं है, जोर से और जोर से। अरे आज अभी यहीं से यारा शुरू करो हंसना मुस्कुराना, आज अभी यहीं से यारा शुरू करो हंसना मुस्कुराना, क्योंकि जिंदगी मिलेगी फिर ना दोबारा। जियो जी भर के, लाइफ इज ऑल जियो बीत गई है काली रातें, छोड़ भी दो अब दुख की बातें, बीत गई है काली रातें, आया नया सवेरा जागो खुशियों को अब गले लगा लो, क्योंकि जिंदगी मिलेगी फिर ना दोबारा। जियो जी भर के, जियो जी भर के। गुड मॉर्निंग एवरीवन, ताली में दम नहीं है यार। यस, पंजाब में आया हूँ, लगना चाहिए पंजाब में आया हूँ। क्यों जी, और जोर से, हाथ से हाथ और जोर से जोड़ो यारा, खुद ही बनो तुम अपना सितारा। साला दम ही नहीं है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, लगना चाहिए कि आप जिंदा हैं। आहा, आपको लगना चाहिए कि आप जिंदा हैं। अब बोलोगे ये क्या बात हुई, जिंदा तो है ही, क्योंकि जिंदा आदमी की चाल ढाल, पर्सनैलिटी, आंखों की चमक, बोलचाल ऐसी होती है जैसे ये है ना। तो जिंदा मत मानिए, हो सकता है आप सांस ही ले रहे हो। क्यों जी, हो सकता है सांस ले रहे हो। तो अगर आप सांस ले रहे हैं तो ये गलती मत मानिए कि आप जिंदा हैं। पर मैं पक्के से कहता हूं, अगर सांस भी ले रहे हो तो होप है कि जिंदा कर दूंगा चार दिन में, कि मेरा वचन है आपको। ट्रेनिंग प्रोग्राम की शुरुआत इसी स्टोरी से करता हूं, बहुत ही हृदय को छू लेने वाली स्टोरी है। महात्मा बुद्ध का नाम सबने सुना, सबने सुना ना। देखो अभी भी कह रहे हैं किसी ने सुना किसी ने नहीं, सबने नहीं सुना शायद, लेकिन आपकी आवाज से लग रहा है कुछ लोगों ने सुना कुछ लोगों ने नहीं सुना है। तो महात्मा बुद्ध जब पैदा हुए तो उनका नाम क्या था, सिद्धार्थ, राइट। तो सिद्धार्थ जब पैदा हुए, तो आप स्टोरी जब पढ़िएगा तो उसके अंदर ऐसा लिखा हुआ है कि जब वो पैदा हुए तो उनके पिताजी की उम्र 50 साल से ऊपर की थी, तो घर में संतान ही नहीं हो रही थी। तो जब सिद्धार्थ पैदा हुए 50 साल के राजा के घर में, तो आप समझ सकते हैं कितनी खुशी होगी, संतान पैदा हुई है वो भी बेटे के रूप में। यू कैन अंडरस्टैंड उसको कितनी खुशी होगी कि मेरी विरासत संभालने वाला कोई ना कोई आ गया है। तो जब सिद्धार्थ पैदा हुए तो उनके पिता बहुत ही खुश थे कि मेरे घर में बेटा पैदा हुआ है। तो जब बेटा पैदा हुआ तो चारों तरफ खुशियां मनाई जा रही थी। जब खुशियां मना रहे थे तो दो चार दिन के बाद उनका नामकरण भी रखना था, दो तीन दिन के अंदर अंदर नामकरण रखना। तो जितने भी विद्वान थे, एस्ट्रोलॉजर्स थे, वो सबको बुलाया गया, राइट। तो उनका नामकरण देने के लिए सबको कुंडलियां भेज दी गई कि सिद्धार्थ का नाम रखना है, ये उसकी कुंडली है, ये उसका टाइम ऑफ बर्थ है, आप बताइए। दरबार सजा हुआ है, राजा बैठा है और विद्वान बैठे हैं, तो सारे गुमसुम। राजा ने पूछा क्या हो गया भाई, इतने गुमसुम क्यों, नामकरण है बताओ। तो उन्होंने बोला, राजन हमें ऐसा लगता है कि कुंडली देख के ये राजा नहीं बनेगा, ये सन्यासी बनेगा। कुछ ने बोला हो सकता है चक्रवर्ती सम्राट बने और हो सकता है ये सन्यासी बन जाए।
तो ये सुनते ही राजा का दिल पे क्या बीती होगी आप समझ सकते हो यार, क्योंकि सन्यासी सब लोग बनना चाहते हैं लेकिन अपने घर में नहीं, पड़ोसी के घर में। हम चाहते हैं कि सन्यासी हो लेकिन मेरे घर में पैदा ना हो, दूसरे के घर में पैदा हो, हमारी सोच ही ऐसी है। तो कितना दुख लगा होगा राजा को कि यार मेरा बच्चा अगर सम्राट बना तो ठीक, और अगर कहीं ये सन्यासी बन गया तो ये मामला गड़बड़ हो जाएगा फिर सारा। तो वहां पर एक 18 साल का एस्ट्रोलॉजर था कुदन्ना, उसने हाथ खड़ा किया बड़े दमदार तरीके से मेरी तरह, बोला राजन मैं पक्के से कह सकता हूं कोई संदेह नहीं है ये चक्रवर्ती सम्राट नहीं बनेगा, ये सन्यासी बनेगा। तो राजा के तो पैर कांप गए, उन्होंने बोला क्या करें। दोबारा से उसने बोला एक हफ्ते के बाद मिलते हैं, दोबारा से एक हफ्ते के बाद मिलते हैं और इसका कोई सोल्यूशन ढूंढो कि ये सम्राट ही बने ये ना बने सन्यासी। तो सब लोगों ने सोचा क्या करें क्या करें। तो जो सलाह सबने दी वो आपको सबको पता क्या हुई कि राजन एक काम करो, सन्यासी होने के लिए वैराग्य होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दुख दर्द ये जब तक जीवन में नहीं आता ना आदमी सन्यासी होता नहीं है। तो सबने बोला एक राजन एक काम करो, इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट सीजन होते हैं, ऋतुएं होती हैं, हर ऋतु का एक महल बनाओ, जो वहां पर पेड़ पौधे पशु पक्षी हैं वो हर ऋतु के हिसाब से होने चाहिए, राइट। और इसको खूब रस लीला में होना चाहिए, इसको रास लीला में मिशा डुबो करो, शराब शबाब कबाब ऐसा रखो कि पूरा जिंदगी का रस ले ले, इसको पता ही ना चले कि दुख दर्द क्या होता है और वैराग्य क्या होता है। उसने बोला यस, जब इसको दुख दर्द पता ही नहीं चलेगा तो ये सन्यासी कभी बनेगा ही नहीं। तो कहते उसने ऐसा सारा राजा ने तरह तरह के महल बनाए, पेड़ पौधे वैसे लगे और कभी पीला पत्ता जो है वो भी गिरने नहीं दिया, उसके उठने से पहले पीला पत्ता साफ कर देते थे। तो सिद्धार्थ बड़े हो गए, शादी हो गई, संतान भी हो गई। कहते नीति को कुछ और ही मंजूर था। तो वहां पर उन दिनों में क्या हुआ, एक कार्निवल होना, यू अंडरस्टैंड कार्निवल, महोत्सव, एक ऐसा कार्निवल होता है वो पड़ोस के राज्य में था जहां सिर्फ राजकुमारों को ही इनवाइट किया जाता था। अब इसको भी इनविटेशन आया, अब समस्या पैदा हो गई। राजा बोले यार करे तो क्या करे, अगर नहीं भेजूंगा तो क्या बहाना लगाऊंगा, बदनामी होगी तो क्या करे। तो फिर उन्होंने सारे विद्वानों से गोष्ठी की तो बोलो यार क्या करे। तो उन्होंने कहा काम करते हैं, 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है अपना दूसरे राज्य का, तो मुनादी करवा देते हैं, डुगडुगी बजा देते हैं कि जिस वक्त ये वहां से निकलेगा सिद्धार्थ, सड़क पे कोई भी बूढ़ा ना नजर आए, कोई बीमार नजर ना आए, कोई मृत्यु जिसकी हो गई है वो नजर ना आए। तो जितने भी सारे चीजें थी उसको बोला हटा दो सारी सड़क से। तो बोला ठीक। तो उसने राजा ने मुनादी करवा दी, डुगडुगी बजा दी कि कोई भी बंदा उस दिन सड़क पे इस समय से 2 घंटे लिए सड़क पे ना आए, खास करके कोई सन्यासी, कोई बुजुर्ग, कोई बुड्ढा, कोई कुबड़, कोई मृत्यु, खबरदार कोई नजर ना आए। ठीक। वो दिन आया, सिद्धार्थ निकले अपने रथ पे, तो जैसे ही आगे गए तो कहते कि कोई बहरा रहा होगा, मुनादी उसने शायद नहीं सुनी होगी। तो एक बंदा जा रहा था जो ऐसे झुक के चल रहा था, कुबड़ था, तो सिद्धार्थ ने कभी ऐसा देखा ही नहीं। तो वो हैरान हो गया, उसने बोला सारथी को बोला रुक, ये ऐसे झुक के क्यों चल रहा है। तो सारथी डर गया, उसने बोला राजा मुझे अलाउ नहीं है ये सब बताना। बोले बता नहीं तो मैं तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। तो बोला राजा ये बूढ़ा हो गया है। बूढ़ा, ये बूढ़ा क्या होता है, मैंने तो कभी सुना ही नहीं। उसने बोला जब आदमी जवान होता है तो उसके बाद ये अवस्था आती है जब वो बूढ़ा हो जाता है। तो मन को चोट लगी, तो उसने पूछा सारथी से कि क्या मैं भी कभी बूढ़ा हो जाऊंगा ऐसे। उसने बोला राजा सबको होना है, सबको होना है। तो उसके मन को चोट लगी कि मैं भी कभी ऐसा हो जाऊंगा, मन में चोट लगी। थोड़ी आगे गए तो कहते हैं कि इमरजेंसी कोई हुई होगी, तो एक शव यात्रा जा रही थी, तो सफेद कपड़े में बंदा अर्थी के ऊपर बांधा हुआ चारों तरफ से और लोग जा रहे हैं। उसने बोला ये क्या हो रहा है, ये सफेद कपड़े में क्यों है, इसको क्यों ऐसे लेके जाया जा रहा है। तो सारथी ने बोला ये मर गया है। मर गया है, ये क्या होता है मर गया है, मरते भी हैं लोग, क्या होता है मरना। तो सारथी ने बोला बुढ़ापे के बाद ये अगली अवस्था होती है कि लोग मर जाते हैं। तो सिद्धार्थ ने पूछा मैं भी, क्या मैं भी मर जाऊंगा। तो सारथी ने बोला सबको मरना है राजन, या आपको भी मरना है। उसके मन को लगा मैं तो आज ही मर गया हूं यार। थोड़ी देर आगे निकला रथ, तो कहते हैं कि एक सन्यासी जा रहा था, गेरुआ वस्त्र, टीका, माला। उसने बोला ये कौन है। राजन ये मृत्यु से भी पार चला गया है,
जीवन और मृत्यु से ये पार की अवस्था है ना, जिसके पास जीवन है ना मृत्यु है, ये सन्यासी हो गया है। तो उसने बोला रथ रोक, रथ यही रोक, मैं भी सन्यास में जाऊंगा। तो कहते हैं ये ट्रू स्टोरी है, मेरे गूस बम्स हो रहे हैं भैया मूलते हुए भी। तो कह रहे जब सिद्धार्थ उतरे नीचे तो वो चले गए सन्यास की तरफ, इतना मन को वैराग्य आ गया। तो कहते कि 6 साल के बाद जब ज्ञान प्राप्त हुआ उनको तो वापस लौटे, तो उन्होंने सोचा सबसे पहले मैं घर चला जाता हूँ। तो जब इमेजिन कीजिएगा यार अपनी आंखों के सामने ना वो सीन इमेजिन कीजिएगा कि 6 साल के बाद सिद्धार्थ जब अपने घर में गए होंगे, दरवाजा खुला होगा और सामने उसने देखा पत्नी यशोधरा। तो पत्नी ने छाती पीट के उसको खूब गालियां दी, खूब गालियां दी, खूब गालियां दी, खूब गालियां दी। गालियां उसने दी कि तुम बता के नहीं जा सकते थे, छोटा सा बच्चा है 3 दिन का, तुम उसको छोड़ के चले गए, तो तुम्हें शर्म नहीं आई कि सारे परिवार को छोड़ के चले गए, तुम्हें शर्म नहीं आई? तो उसने बोला यशोधरा ने कि तुम सिर्फ कह देते ना सिद्धार्थ कि मैं सन्यास की तरफ जाना चाहता हूं तो कह देते, बस इतना ही बात ही कह देते। तो सिद्धार्थ ने जो जवाब दिया ना, आंखों में आंसू आने वाला है, सिद्धार्थ ने बोला यशोधरा देख मेरी तरफ, 6 साल पहले जो गया था वो लौटा नहीं, जो लौटा है वो कोई और ही लौटा है, वो तो लौटा ही नहीं जो गया था। आप भी 4 दिन के बाद जैसे आए हो वैसे लौटोगे नहीं, ये मेरा वचन है आपको, ये मेरा वचन है आपको, जैसे आए हो वैसे लौटोगे नहीं। मैं जब बोलता हूं मेरे एकदम गूज बम्स हो जाते हैं यार। मेरा स्पिरिचुअल मास्टर कहता है जीवन ज्वारी की तरह होना चाहिए यार, ज्वारी की तरह। ज्वारी का जिगरा देखा कैसे होता है, पूरा कुछ दाम पे लगा देता है सारा, वो आर या पार। तो एक ज्वारीपन जो है ना जीवन का, वो आपके अंदर होना चाहिए यार, एक ही तो जीवन मिला है यार। और मैं आपको पक्के से कह सकता हूँ मेरा स्पिरिचुअल मास्टर मेरे को रोज ये कहता है, सूद बता देना इनको, ये जिस चक्कर में पड़े हैं ना कि अगला जन्म होगा, इनको पक्के बता दे इनका नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस जन्म में कोई झंडे तो खड़े नहीं, ऊपर जाके क्या बोलेंगे, साले क्यों जाना दोबारा, कुछ क्या किया तूने, कुछ किया था, चल इधर आ साइड, तो झंडे तो खड़े नहीं कोई ऐसे, है ना, राइट। लिखा हुआ है कि भीड़ का एक सम्मोहन है, और जो लोग भीड़ में रहते हैं वो भेड़ होके रह जाते हैं, जो लोग भीड़ में रहते हैं वो भेड़ होके रह जाते हैं। आप इसके अंदर देखेंगे आप पहचान भी नहीं पाएंगे कि भेड़ों के झुंड के अंदर एक शेर भी खड़ा है, आप पहचान नहीं सकते उसको, पहचानने भी चाहेंगे नहीं पहचानेंगे। देखिए दोनों इमेज को मैंने सिमिलर कर दिया है, देखिए वो खड़ा है लेकिन अपनी पहचान भूल गया है। तो मैं चाहता हूं कि आप भी भेड़ों के साथ ना रहें, भेड़ों से अलग हो जाएं और आपकी पहचान हो जाए। मन मत मारना किसी चीज के लिए, कभी भी मत मारना। अगर मन मार लिया ना, मैं आपको सच बताता हूं, जब आप लास्ट ब्रेथ पे होगे ना आपको बहुत पछतावा होगा, बहुत ही पछतावा होगा यार। मेरा स्पिरिचुअल मास्टर बड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करता है, कह रहे जब आदमी की मृत्यु नजदीक आती है तो उसको पता चल जाता है कि मैं मरने वाला हूं 2 दिन 4 दिन हफ्ते में, तो ये मत समझिए कि उसको मौत का डर होता है। मौत का डर नहीं होता मरने वाले आदमी को, कभी भी मौत से डर नहीं लगता, वो निराशा से भरा होता है कि यार जीवन तो गया कुछ किया ही नहीं। फिर उसको सब कहानी याद आती, मैं ये भी कर सकता था, मैं वो भी कर सकता था, काश मैं ऐसा कर लेता। डोंट डाई विद ड्रीम्स, व्हेन यू डाई डाई विद मेमोरीज, नॉट विद द ड्रीम्स यार। सपनों के साथ मत मरना, ड्रीम्स के साथ नहीं, मेमोरीज के साथ। आपका नॉलेज पूरे का पूरा कचरा है अगर आप उसको अप्लाई नहीं कर रहे यार। आप सोचो उस घर में आप सब्जी भी लाते हैं, चीनी भी लाते हैं, चाय पत्ती भी लाते हैं, कितना चीजें लाते होंगे घर पे अंदर। अगर मान लो सारी चीजें रोज लाते जाएं, लाते जाएं, लाते जाएं, लाते जाएं और कभी यूज ना करें तो क्या होगा? गार्बेज बन जाएगा यार, आपका फ्रिज सड़ने लगेगा, आपके घर के अंदर गंदगी पैदा हो जाएगी, स्मेल आनी शुरू हो जाएगी। कौन सी लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है आपके चार्ट के अंदर? 8 ही लाइनें हैं। अब आपके बर्थ चार्ट में कौन सी लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है? ओके, अगर हम बात करें 8 प्लेन्स की तो देखिए, अगर आपके बर्थ चार्ट में ये वाली लाइन पूरी हो जाती है, 4 भी 3 भी और 8 भी, थॉट प्लेन का मतलब है कि इस तरह के आदमी के सोचने की जो पावर है वो बड़ी ही जबरदस्त होती है, बहुत ही पावरफुल होती है थॉट। अगर मैं ऐसा भी कहूं कि जहां से दूसरे लोग आम लोग सोचना बंद करते हैं, ये लोग वहां से सोचना शुरू करते हैं। आपने जरूर कभी ना कभी ऐसा देखा होगा, कोई ना कोई अपना
मामा चाचा बुआ ताई मासी दोस्त मित्र रिश्तेदार कभी ऐसा आइडिया दे देता है आपको, आप बोलते हैं यार ये कैसे आदमी सोच लेता, अपन तो कभी ऐसा सोच ही नहीं पाए। इसका मतलब जो बहुत ही आइडिया क्रिएट करने वाले लोग होते हैं, जिनके पास बहुत आइडियाज रहते हैं, एक बात बोलो उसी वक्त आपको सलाह दे देते हैं, या आपकी बात को घुमा भी सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव कैसे भी, जो आपकी बात को अपने थॉट्स ऐसे टर्न कर दे, इसका मतलब उसके पास ये पावर है। 9 और 1 तो सबके पास है, अगर सबके पास 9 और 1 है तो समझ लीजिए फिर इसकी कोई ज्यादा पावर को देखने की जरूरत नहीं है। इस लाइन की जो 9-5-1 की पावर है उसकी जो चाबी है वो 5 के पास है। 9 और 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि सबके पास कॉमन है, उसे क्या मैं जज करूं, कुछ जज नहीं कर पाऊंगा। तो 5 नंबर अगर आपके बर्थ चार्ट में आके ये लाइन पूरी होती है 9-5-1 की, तो इस लाइन को बोलते हैं विल पावर की प्लेन। 2-7-6 इज एक्शन प्लेन। एक्शन प्लेन मीन्स अगर आपके पास परमात्मा ने ये एक्शन प्लेन डाला है, यू शुड बी ऑलवेज ऑलवेज फुल ऑफ एक्शन। दीज आर द पीपल हु डोंट थिंक ट्वाइस, दीज आर द पीपल हु थिंक ट्वाइस टू एक्ट, कर ही देते हैं, वो बाद में देखेंगे ठीक हुआ या गलत हुआ। वो मैं भी बाद में सोचता हूँ, पहले कर लेता हूँ फिर बाद में देखूंगा ठीक हुआ या गलत हुआ। आई एम नॉट गोइंग टू बी जजमेंटल, आई एम सेइंग व्हाट इज यू आर एंड व्हाट यू शुड बी, राइट। 2-7-6 वाला बंदा हमेशा लाइफ में थ्रिल चाहता है, इसको थ्रिल चाहिए हमेशा। थ्रिल कहां से आएगा? रिस्क से। अगर रिस्क नहीं है तो कैसा थ्रिल? तो दीज आर द पीपल हु आर द एक्शन ओरिएंटेड पीपल, ऑलवेज नीड ए थ्रिल, ऑलवेज इन्वॉल्विंग सम और द अदर काइंड ऑफ अ रिस्क इन टू देयर लाइफ। मेरे पास ये लाइन भी आती है, 4 भी आता है, 9 भी आता है और 2 भी आता है। तो इस लाइन को क्या बोलते हैं? मेंटल प्लेन। मेंटल प्लेन ब्रेन पावर, ये जो ब्रेन पावर है ये बहुत ही शार्प होती है, वेरी शार्प। थोड़ा मजाक में भी कह देता हूं कई बार, बट सीरियसली भी होता है वो। अब नाम ही मेंटल प्लेन है, खिसका हुआ, सीरियसली खिसके होते हैं ये लोग। और अगर ये खिसके हुए नहीं है, इट मीन्स ये अपने रोल के अगेंस्ट ही चल रहे हैं। आपका खिसका होना जरूरी है, परमात्मा ने आपको उसके लिए पैदा किया है। राजयोग की मैं परिभाषा बताता हूँ, मैं जो पढ़ाता हूँ कि राजयोग का मतलब होता है सफलता इनको ढूंढती है, ये सफलता को नहीं ढूंढते। और मजेदार बात क्या है सर, अगर मैं 1000 लोगों की डेट ऑफ बर्थ देखता हूँ, प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, अगर 1000 लोगों की डेट ऑफ बर्थ देखूंगा, शायद एक बंदा होगा 1 in 1000 होता है जिसके पास ये 4-5-1 की लाइन आती है। आप देख लो इतने लोग बैठे, 3 ही लोग खड़े हुए हैं, बाकी सब बैठे हुए हैं यहीं से। 9-5-1 सारे खड़े हो गए, 4-3-8 कितने लोग खड़े, 4-5-6 देखो बंदा ही 3 है। रेयर, पता चलता है ये बहुत ही रेयर योग है, बट होता है कभी कभी। अगर 4-5-6 आता है सर तो इसको बोलते हैं राजयोग नंबर 1। राजयोग का मतलब होता है सफलता इनको ढूंढती है, ये सफलता को नहीं ढूंढते, यही राजयोग है। आपने ऐसा अक्सर देखा होगा कई बार कि आपके घर में बच्चा पैदा हुआ, पिताजी रिक्शा चलाते थे, मजदूरी करते थे या क्लर्क थे, और 3-4 साल में अपना बैंक बैलेंस और बिल्डिंग बना ली, कारोबार आ गई। ऐसा होता है, कॉमन है, ये सुना होगा आपने। अगर आपके पास 2-5-8 की लाइन आती है तो उसको बोलता हूं मैं राजयोग नंबर 2। उतना सफल नहीं राज 4-5-6 की तरह, बट यस ये भी अपने आप में बहुत ही सफल है। समझ लो कि अमर अकबर एंथनी में अमर तो अमिताभ बच्चन ही रहेगा, है ना, बट विनोद खन्ना भी फिल्म का पार्ट है, वो भी हिट है, और ऋषि कपूर भी है। अमर नहीं है तो क्या हुआ, अकबर वाला रोल तो प्ले कर सकते हैं। तो ये समझ लो ये अमर नहीं है, अकबर एंथनी वाला रोल तो ये इसके पास भी है। तो शॉर्ट स्टोरी बताता हूं कि ड्राइवर कंडक्टर जो है, इट इज जस्ट लाइक दिस। ड्राइवर कंडक्टर मींस योर फेस, बर्थ चार्ट मींस योर बॉडी। आपने देखा एक तरफ हमारा बर्थ चार्ट होता है, एक तरफ हमारा ड्राइवर कंडक्टर था। तो दोनों की इंपॉर्टेंस कैसे है कि ड्राइवर कंडक्टर मींस योर फेस एंड बर्थ चार्ट मींस योर बॉडी। हमारा भी ऐसा ही ना, ये पार्ट और ये पार्ट आपस में जुड़े हुए हैं। ड्राइवर कंडक्टर मींस योर फेस एंड बर्थ चार्ट मींस योर बॉडी, बोथ कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, देन यू आर कंप्लीटेड। ना आप पूरी बॉडी है ना पूरा फेस है, दोनों मिलकर ही आप कंप्लीट होते हैं। बट रॉन्गली और राइटली हम एक दूसरे के फेस ही देख रहे हैं, या सब लोग मेरा फेस देख रहे हैं, मैं आपका फेस देख रहा हूं, ना आप मेरी बॉडी देख रहे हैं ना मैं आपकी बॉडी देख रहा हूं। सो बॉडी में और फेस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? फेस। सो फेस इज मोर इंपॉर्टेंट देन द बॉडी। देयरफॉर जब भी आप किसी का रीडिंग करेंगे तो ऑलवेज पहले ड्राइवर कनेक्टर ही तय कर देगा कि इस बंदे का लाइफ में होना क्या है, फिर आता है उसका बर्थ चार्ट।
तो दोनों मिलकर ही एक दूसरे की गाड़ी चलाएंगे, ना अकेला ड्राइवर कंडक्टर से बात बनेगी, ना अकेले बर्थ चार्ट से। मैंने बोला एक तरफ आपका ड्राइवर कंडक्टर और दूसरी तरफ बर्थ चार्ट, तो बर्थ चार्ट में करंट है या नहीं है, अब उसकी बारी आ गई आपको ये कार्ड खिलाने की। अगर आपके बर्थ चार्ट में 5 और 6 नंबर है तो आपको किसी राजयोग की जरूरत नहीं है, ना 4-5-6 की, ना 2-5-8 की, ये अपने आप में कंप्लीट राजयोग है आपके बर्थ चार्ट का। अगर दोनों नंबर हैं तो बर्थ चार्ट में सिर्फ कुआ को छोड़ दीजिए, ड्राइवर से आ जाए, कंडक्टर से आ जाए, डेट से आ जाए, मंथ से आ जाए, ईयर से आ जाए, कुआ को नहीं मिल करना। अगर आपके बर्थ चार्ट में 5 और 6 दोनों नंबर हैं तो आपको किसी राजयोग की जरूरत नहीं है, ये अपने आप में सारे राजयोगों का बाप है। थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग मी टू पेशेंटली। कल फिर मिलेंगे और कल का दिन और भी अच्छा होगा और अक्स को अगला दिन और भी अच्छा होगा, बट आई हैव सेव्ड बेस्ट फॉर द रेस्ट ऑन द 4th डे।